ये है जी थल झील, जिसके लिए लोग आ रहे हैं। ये शिकार, अरे तो यार लेडीज है। ये है जी शिकार है, जो डेढ़ डेढ़ दो दो हज़ार रुपये, तीन तीन हज़ार रुपये ही मांगते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप के घाट नंबर बने हुए हैं जहाँ पे आप शिकारे में जा सकते हैं। ये देखिए, हमारे को ये भाई साहब मिले जो कि एक शिकारे के मालिक हैं और अपने शिकारे में राइड कराना चाहते हैं, इससे हमने काफ़ी भाव तोल किया। तो इनमें कितना कितना रेट लेते हैं शिकारे में घूमने का? ये रेट लगे हुए देखिए, आप अगर पढ़ सको पोस्ट करके पढ़ लीजिए। ये सामने हाउस बोट लगी हैं और ये हैं शिकारे जिनमें आप घूम सकते हैं। हाउस बोट में जाने के लिए हाउस बोट वालों के ही पर्सनल शिकारे होते हैं जो आपको ले जाते हैं और ले आते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से बैठते हैं तो क्या कह रहे हो आप, यहाँ से लेके जाएगा कितना पैसा लेते हैं घूमने के, घुमाने कितना पैसा लेते हैं? साहब जाएगा 770 रुपया है। अच्छा, घंटे के हिसाब से? एक घंटा 770 पहले ऐसा बात। अच्छा, यहाँ ये देखिए, यहाँ रेट लगा हुआ है सारा का सारा, आप पोस्ट करके देख सकते हैं। झील के किनारे ही कुछ साइकिलें खड़ी थी, जो लगता था वो साइकिल स्टैंड है। कुछ बच्चे आ रहे थे तो उनको पकड़ लिया डिलीवरी में और लेने लगे जानकारी। मुगल गार्डन ये सब है, ये पता कर रहे हैं भाई साहब। ये 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से गाड़ी मिल जाती है स्टूडेंट, फिर ला करके साइकिल यहाँ पर। ये साइकिल स्टैंड है यहाँ पर ही, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। ये आ गया है डल लेक, जो सड़क के किनारे है। ये इधर सड़क चल रही है। अरे यार, और ये आपके हाउस बोट हैं जहाँ कोई 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 भी बता रहे हैं। जैसा जैसा हाउस बोट है वैसे ही इसके रेट हैं। तो हम तो दो छड़े हैं भाई, हम तो दो छड़े घूम रहे हैं। हमें इसकी क्या जरूरत, पर जिसको जरूरत है वो इसमें आनंद ले सकता है। और अभी मौका मिलेगा तो अंदर भी दिखाऊंगा मैं एक दो के हाउस बोट कैसे रहते हैं अंदर। संजीव भाव जी, सस्ता करेगा शिकारा नहीं चाहिए, सस्ता करेगा 200 रुपया लगेगा आपको। 200 रुपये कितना घुमाएगा शिकारा में? पूरा इधर से जाएगा, इधर से आएगा पूरा वापस। 200 रुपये में घुमा देगा। चलाएगा कौन? अच्छा, चलाएगा कौन? आप खुद चलाएगा? अरे आप चलाएगा? अरे बाबा, 200 रुपये कितना घंटा चलाएगा? आधा घंटा है पूरा, आधा घंटा, आधा घंटा में चक्कर लगा लाएगा। नहीं चलो, अरे यहीं पास से घुमा करके ले आ जाएंगे यार। आपका एज कितना है? उम्र कितना? उम्र 60। 60 में भी इतनी ताकत, सिकारा चलाएंगे? मोटर से चलता है क्या सिकारा? वो हाथ से चलाते हैं मोटर से? अगर बड़ा से कर रहा है, बड़ा भी करवाएगा? नहीं नहीं, बड़ा नहीं करना है। पहले बताओ तो बाबा, मांग रहा था ये 200, दोनों का 200 रुपया लोग है, एक का 200? देखते क्या कह रहे हैं। आपको मर्जी है? नहीं मर्जी नहीं, ऐसे नहीं है। आपको आपको हम आप हमारे बुजुर्ग हैं, मर्जी नहीं चलता है। एक बात करो, हाँ दोनों का 300 दे दो बस, ठीक है ना? अरे अभी तो आप कह रहे थे 200 रुपये, अभी कितना बोले थे? 400 रुपये बोल रहे थे? नहीं पता, 300 दो का जो अभी तो 200 बोल रहे थे बाबा जी। वो छोटा रूट है, बड़ा रूट है? बड़ा रूट कौन सा है आपका? देखो खुद से देखो, अगर मजा आएगा तो पैसा दे दो। नहीं आप हमें क्लियर करो, आप बड़ा रूट पे इधर पीछे से घुमा के हम बात करके तय करके करेंगे। उधर से जाएगा, उधर से पीछे आएगा, पीछे से आएगा। ऐसा बात नहीं, हमको क्या बात है। तो दोनों को 200 रुपये में ले लो, घुमाओ ना। 300 रुपया हमको ये, चलो 300 रुपये भी देगा पर घुमा के लाएगा ना पीछे से, लंबा रूट से। और क्या जनाब, अगर चलो साहब, चलो जी वो होटल वाले थे जानी और ये है जान। ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा। चल दिए भाई साहब हम शिकारे में, थोड़ा बहुत जितना है शिकारे का आनंद ले लेते हैं। आप बताओ
ये देखिए, ये 60 की उम्र में भी कितने दिलेरी और बहादुरी से अपने बिजनेस को चला रहे हैं भाई। अरे इन्होंने असली चीज जज्बा को हम सलाम करते हैं। इन्होंने भाई साहब असली चीज खाया है, काजू पिस्ता बादाम कश्मीर का। ये तो है भाई। हम तो भाई ये कहेंगे कि अपने जो भी व्यूअर्स हैं कि भाई अगर आ रहे हैं तो अपने जीवन संगनी जीवन संगनी के साथ आए और इस रोमांटिक और मनमोहक मौसम का और दृश्य का आनंद उठाएं। एल्बम फलबम नहीं नहीं, कैमरा है हमारे पास, हमारे पास है, है, है। अरे नहीं नहीं नहीं, रहन दीजिए रहन दीजिए, धन्यवाद रहन दीजिए। ये देखिए, ये भाई साहब आए हैं अपना, ये देखिए फोटो शूटिंग के लिए वाटर में। तो हम तो ये है कि भाई सोचे कि थोड़ा शिकारे का भी आनंद ले लिया जाए, तो जैसा कि हमारा वो था एक लक्ष्य था। ये हमारे नए नए फोटोग्राफर हैं भाई साहब कि जो कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को एक्सप्लोर किया जाए और अपने व्यूवर्स को प्रमोट किया जाए और उनको प्रेरित किया जाए कि ये छोटे से छोटे खर्चे में भी और अपने जीवन संगिनी के साथ आकर के यहाँ का मौसम का लुत्फ लिया जा सके। कहाँ से सस्ता 1200-1500 में भी हाउस बोट बता रहे हैं और 2500-3000 में भी मिल जाता है यहाँ पर हाउस बोट। ये अभी का रेट है या सीजन का भी यही है? सीजन का 6000। सीजन में तो आपको पता ही है भाई साहब, जितना गर्दन काट सको काट दो। ओह, और अभी ऑफ सीजन में हमारे पर डिपेंड करता है कि हम इनसे कितना फायदा उठा सकते हैं। हजार 800 में पूरा बोट देते हैं। तो यार हमारे को बता दो कौन सा 1800 का, हम रुक जाएंगे रात। यही नहीं, ये वाला बोट का 1000-1200 चार्ज करते हैं इतने समय का सीजन में। अच्छा सीजन में इस का बता रहे हैं 1200। हाँ 1200। हाँ जो नहीं, नहीं। हमें, जो हमें 300 रुपए में अभी जा रहे हैं। हाँ, तो 1200। नहीं नहीं, पूरा दिन का कितना 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 रुपए बताया आपने? वो पूरा राउंड का हमको 1200। अच्छा पूरा राउंड का 1200। ठीक ठीक। हाँ अच्छा, यही राउंड को 1200 चार्ज करते हैं जो हमें अभी 300 रुपए में। ये देखिए कूड़ा जा रहा है यहाँ से। अच्छा, मीना बाजार ना वो। हाँ हाँ हाँ, वो भी जाना। ये बता रहे नेहरू गार्डन, पुष्पन मार्केट, पुष्प, लोटस गार्डन, गोल्डन लेक। ये तो पूरा काफी टाइम लग जाएगा देखने के लिए ना, इतना टाइम नहीं। अगर जाएगा तो वो भी तैयार है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा रूम करना है, सबसे बड़ा रूम। बोलो जी। नहीं अभी तो आप इधर ही घुमाइए पहले, देखते हैं फिर आगे। चलो जी। कश्मीर में आए और अगर शिकारे में नहीं घूमे और हाउस बोट में नहीं आए तो आधा ही कश्मीर घूमे आप। ये जनाब बता रहे हैं गुल फॉर्म लेक, मतलब इसी लेक को अलग अलग नाम से बदल रखा है। ये 22 किलोमीटर लेक है। 22 किलोमीटर का लेक। अच्छा, 7 बजे। तो आपने क्या शॉर्टकट मार दिया इधर? ये तो ये तो मकान बने हुए अंदर बीच में। तो यहाँ पे लोग कैसे आते हैं, बोट से? बड़ा बाजार है। अच्छा, ये देखिए वाटर लिली। ये कमल का फूल होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे खाने कौन आता है? हिमील बाजार 50 चूल्हा बता रहे हैं इधर लगे हुए हैं। बाईस किलोमीटर के इस दायरे में ये डल लेक है। जगह जैसे बदलती है वैसे इसके नाम भी बदल जाते हैं। टूरिस्ट फैमिली के साथ आए हुए लोग बहुत घूमने के लिए और आनंद ले रहे हैं। देखिए ये जला हुआ है सारा का सारा। ये 20 फुट की गहराई है जहाँ पे हम चल रहे हैं अभी। ये हाँ, ये वाला, इधर वाला, ये वाला,
अच्छा अच्छा फाइव स्टार मतलब महंगा वाला बोट है हैं? इसी लेक पे बना है मिशन कश्मीर का। ओ मिशन कश्मीर का यहीं पे बना है शूटिंग? कश्मीर का शूटिंग है ना। हाँ हाँ बुमरो लेक नाम से बुमरो लेक कर दिया। ये देखो फ्रूट भी बिक रहे हैं यहाँ पर। ऐसा भाई 100 रुपए का सलाद बनाएंगे दो के हम दोनों का पेट भर जाएगा इतना बता रहे हैं। ये लीजिए ये भी आप खरीद लीजिए यहाँ पर। नहीं हम तो भाई दिल्ली से आए हैं बस और वहाँ हर चीज मिल जाता है यार। ये हाँ ये 100 रुपए का है देखो। ये देखिए 100 रुपए का ये है जिसमें हमारा दोनों का पेट भर जाएगा। अरे बाबा इसमें तो एक का भी पेट नहीं भरेगा। नहीं नहीं वो दो नहीं चाहिए। नहीं नहीं दो नहीं ये कहने अगर नहीं भरेगा तो दूसरा ही बना देते हैं। फोटो खींच रहे भाई डार्क आ रहा है चेहरा आपका। तुम चेहरे से चश्मा तो हटाओ यार तभी तो दिखेगा कुछ। तो देखिए भाई साहब नजारा देखिए भाई साहब। और ये देखिए एक और साहब क्या बेच रहे हो साहब? ये कश्मीरी ज्वेलरी है देखिए इनके पास। इसमें सब फ्रूट हो जाता है सब्जी करेला। अच्छा जी पानी के ऊपर खेती देख बोट की साथ बांध देता है ना हाँ दूसरा जगह चलेगा। ओ अच्छा ये बोट के साथ दूसरे बोट के साथ दूसरे जगह भी ले जा सकते हैं खींच के। इसको खींच के दूसरे जगह भी ले जा सकता है। भाई टक्कर लगेगी भैया। अरे भैया एक्सीडेंट हो गया। अरे भैया एक लाइव एक्सीडेंट। ये देखो भाई साहब सीधा पानी के ऊपर एक्सीडेंट देखा आपने अभी। ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं डल लेक से। ये देखिए फैमिली फैमिली के साथ आइए पूरा आनंद लो। ये देखिए ये जल मुर्गी। ये देखिए ये केसर की पहचान दिखा रहे हैं भाई साहब। पानी में मिला के घिला दिया कलर लाल हो गया इसका। अच्छा यही है क्या केसरिया रंग? सफ्रॉन का कलर होता है सफ्रॉन। ये मीना बाजार कहाँ से? केरला कश्मीर A4 केरला A4 कश्मीर। शाबाश लो भाई सब्जी की दुकान भी आ गई। बिल्कुल वाटर वर्ल्ड। क्या क्या तो नहीं बिक रहा है पानी के ऊपर। सब्जी की दुकान देख ली आपने। ये मुगल आर्ट्स के सामान देख लिए। ये देखिए जर्सी। ये सब कहेंगे कश्मीर में बनी हुई है और आपको तो पता है कश्मीर में क्या बन सकता है क्या। हाँ ये देखो ना कितना बढ़िया लग रहा है देसी आइटम। कहाँ से आप लोग? राजस्थान। ये देखिए राजस्थान ब्रांड भी यहाँ पे आ गया। ऐसा ऐसी चीज नहीं मिलेगी। यहाँ मार्केट लगता है भाई। ये है देखो पूरा फ्रूट वगैरह सब उग रहा है यहाँ पर।
ये गलियारा है देखिए ऐसे निकलने का, ये गलियारा देखो जैसे गली, ये ड्राई फ्रूट बादाम पनीर मशरूम, बारबेक्यू भी अवेलेबल है। आनंद आ गया। और अगर डल झील में आप नहीं घूमे पर एक बार छोटा मोटा भी टूर जरूर करना चाहिए। अंदर हम अभी गए थे, आपको दिखाया कितनी मार्केट थी, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। पानी के ऊपर सारा का पूरा शहर, पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। ये देखिए कॉफी शॉप भी है पानी के बीचों बीच, यहाँ चाय पकौड़ा सब मिलेगा आपको। मोटर से जा रही है, देखिए मोटर से चल रही है, हाउस बोट, हाउस बोट नहीं शिकारा। भाव जी और क्या क्या देखेगा शॉप? इधर सब कुछ है, इधर अभी मीना बाजार दिखा के लाया साहब, अब दूसरी तरफ लेके जाएगा आपको। हाँ ये तो हम भी चला सकते हैं। ये भाई साहब इनको भी शौक चढ़ाया। ये बाबा ने बोट दिखा रहे हैं देखो, ये हाउस बोट दिखाया है, बड़ा लंबा चौड़ा हाउस बोट है। कोई नहीं है, बंद है, कोई है? ये देखो जमीन कम, जमीन भी है और बोट भी है, इधर भी है, इधर भी। अरे वाह, क्या जूता भर उतरना है? ये है लिविंग, ड्राइंग रूम होगा इनका ना, लिविंग एरिया टाइप का है, लिविंग एरिया। ये कॉमन है। हां हां, ये आग लगा देते हैं इसमें आप रात को। आज से भी कल से की बुक है, बस कल से बुक है। हां आज का, आज है ब्रेक का, आज का आज खाली है, अभी तक तो खाली है, शाम तक हो जाएगा बोल भी। टूरिज्म में कुछ नहीं हो, टूरिज्म और इधर के आ सकते हैं। अच्छा, ये वॉशरूम ये इस कमरे के साथ ही अटैच्ड है या किसी और का है? बोट पे, हर किसी बोट में टब ही होता है, होता है सब रहने के लिए। हाँ। तो बाहर पानी नहीं पड़ना चाहिए, इसमें कार्टन आड़ी लगा हुआ है ना, वो पर्दे वाले। हाँ, हाँ, तो पानी नहीं पड़ना चाहिए, इसमें शॉवर भी है और बकेट भी है। हाँ, 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 ओके। अब बताइए आप क्या क्या करते हैं? देखो इसमें सर आपको आना जाना तो फ्री रहेगा, दो बजे तीन बजे मतलब ग्राउंड पे। हाँ, वहाँ पे कस्टमर एक से वहाँ से लेके आएंगे यहाँ तक, यहाँ से ड्रॉप करेंगे। आप कभी भी आ सकते हैं, मुझे खाली 5 मिनट पहले फोन कर देंगे तो आपको उधर ही। अच्छा, वो आप व्यवस्था कर देंगे, चाहे तो वहाँ से कोई लेके आ जाएगा? हमारे अपना बोट रहता है, आने जाने के लिए क्रॉसिंग फ्री रहता है। और दूसरी बात, इसमें ऑलरेडी गर्म पानी गीजर तो लगा हुआ है, गर्म पानी आप चलता रहता है, जब भी आपको यूज करना होगा तो आ जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है। सबसे बड़ी बात है पैसा कितना लगता है वो बताओ, उसके बाद फिर हीटर भी देते हैं, जब तक आप सो जाएंगे तब तक हीटर भी चलते हैं। इसमें एक रूम का है, एक रूम का अगर विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर है आपको 3,500 है। अच्छा, अगर आपको खाली रूम चाहिए उसमें 2,800 रुपये पड़ेगा। 2,800 पड़ेगा। चलो थैंक यू। चलिए, ये कार्ड है भाई साहब इस हाउस बोट का, ये ओनर का होगा नाम है ना, नंबर से ये बुकिंग हो जाएगी। तो रेट आपको बता ही दिया इस, और सीजन में इनके अलग रेट होते हैं, ये रेट सीजन में नहीं चलेंगे। ये हाउस बोट में देख लिया रेट इस सीजन के हिसाब से, तो चलो बाबा चलते हैं। ये लो साहब, घूमते घामते हम पहुँच गए वापस। दो चलो, उतरो 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 भाई, चलो आराम से हो गया। शिकारा राइड के बाद सोचा कि और होटल भी देख लें।
सामने ही होटल था टुलिप, उसके कमरे भी हमने देख लिए। इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी है, रूम देख लीजिए और वॉशरूम भी है इलेक्ट्रिक। इधर टीवी लगा रखा है एक, देखो हाँ ना, एक ये है ना रिमोट, ये भी वही है जी। अच्छा, ये ऊपर चढ़ के वॉशरूम, मतलब ये सेंट्रली गर्म पानी का है। पांच लोगों का है यार, एक दो तीन चार पांच लोग सो सकते हैं इसमें, एक फैमिली पूरी आगे सो सकती है। हाँ, देखिए ढूंढते ढूंढते हमें एक ये भी गेस्ट हाउस मिला, रूबीना गेस्ट हाउस। ये होम स्टे की तरह ही है पर ये प्रॉपर होटल वे में बना हुआ। ये देखिए सामने बिल्डिंग दिख रही है और ये भाई साहब मालिक है इनका। आप फ़ोन करके इनसे बात करके बुकिंग करके आप पहुँच सकते हैं। यस सर, रास्ता मैं बता देता हूँ। ये देखिए रोड है और ये थ्री व्हीलर आया, इससे आप बाहर जो कि डल लेक है वहाँ से आ सकते हैं। डल लेक से 150 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर डल लेक से ओनली 3 to 4 मिनट। आप अपना फोन नंबर और बोल दीजिए फटाफट। 9906565098। अभी लाइट नहीं है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपका किचन भी है, डाइनिंग भी है। अच्छा अच्छा, ऐसे ही सारे कमरे हैं आपके? ऐसी ही है, कोई कोई इसमें फैमिली टाइप का भी है, छह आदमी। अच्छा, तो डायरेक्ट ये रूम भी है 1500 रुपए बता रहे हैं। सीजन में भी अगर आप आएंगे तो 1500 रुपए और ऑफ सीजन में थोड़ा 100-200 रुपए कम करके 1000-1200 के आसपास। डायरेक्ट डायरेक्ट इंस्पेक्टर किसी को बताने जा रहे हैं। तो हमने यही महाराजा में रूम ले लिया है, गए थे डबल बेड का, वो तो बुक हो गया। अभी मेरे ख्याल से हम 3 बेड वाला रूम ले लिया है, रेट हमारा वही है। मैं आपको बता देता हूँ, रेट हमें इसने 600 रुपये में लगा दिया है। 800-1000 रुपये कितने मांग रहे थे भाई साहब? मांग तो रहे थे 1000 रुपया, 1300 मांग रहे थे। 1300 मांग रहे थे कि 1300 तो है ही, 1500 भी। और आपको पता है सीजन में तो कुछ आप कह नहीं सकते, पहले से बुक कर लीजिएगा, नंबर मैं आपको दे दूंगा। होटल है महाराजा। ये देखिए भाई साहब, जय माता दी भक्तों। सबसे पहले तो ये है, बताता हूँ, बताना चाहता हूँ, हम जब बनिहाल में ठहरे थे, वो थे एक लॉज। हाँ, वो लॉज थे, वो हमें हाँ, इसलिए लिए क्योंकि हाँ, वो एकदम रेलवे स्टेशन के पास थे हाँ, और 7:15 की हमें पहली ट्रेन थी, तो वहाँ पे हमें पड़ा था वो 200-200 रुपये, मतलब 400 रुपये में, और ये हमने सेट कर लिया 600 रुपये। इसमें मैं आप बता दूं कि मतलब हम फैमिली को भी ला सकते हैं, फैमिली भी रुक सकते हैं। मैंने पहले भी एक जो अभी रूम देखे थे आपने डबल बेड के, जिसमें 5 बेड भी, उसके उन्होंने कहा कि 1500 हम लेते हैं, पर आपके लिए हमें 1300 में, मतलब वो 1300 में पड़ रहा था, और बड़ा वाला 2000 में जिसमें 4 बेड थे, और ये ट्रिपल बेड वाला 1500। फैमिली वाइज ये अच्छा है, मतलब फैमिली के लिए आप रुक सकते हैं। तो अब हम आ गए, अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, तो हम कोशिश करते हैं शंकराचार्य जी मंदिर जाने की और दर्शन करें। हाँ, शंकराचार्य मंदिर जाना है, चलो आओ पैदल चले। ऑटो में कितना पैसा लगे? 600 रुपये। चलो, ये देखिए वहाँ पे है शंकराचार्य मंदिर, ये बता रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर है, नहीं पैदल नीचे, नहीं यहाँ से 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर है ना, पर नहीं प्लेन का है, 5.5 किलोमीटर है, 5.5 किलोमीटर हाइट है, 5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर रोड का रास्ता है, पर वो सीधा चढ़ के ऊपर जाना है और 2 किलोमीटर प्लेन है, तो इसलिए हमने ये भाई साहब हमें 350 रुपये में ले जा रहे हैं, तो चलते हैं ऑटो में। गुड, यहाँ पे सजी हर एक जगह कैमरा लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, हर हर महादेव। चलो भैया, जय माता। ये कह रहे हैं भाई साहब कि जब विद फैमिली आओ तो ये ऑटो के चक्कर में मत पड़ो, आराम से यहाँ से साइकिल लो 10-10 रुपये घंटे के हिसाब से, और पूरी 10 दिन भर में आप कितने घंटे, 5 घंटे 4 घंटे चलाओगे, 3 घंटे चलाओगे, तो 3 घंटे मैंने 30 रुपया, तो 4 मेंबर हो तो 3×4 125 रुपये में। ये भाई साहब का देखो आइडिया तो बड़ा अच्छा है। ये हो गया हिल का एरिया से एंट्री। अच्छा, ये आ गया, लिखा हुआ है 5.5 किलोमीटर यहाँ से एंट्री है ना। हाँ, तो अभी बताया ना गर्मियों में 6 बजे तक, और अभी 4:30 बजे के बाद आगे जाने नहीं देते हैं, 4:30 बजे के बाद। तो ये मतलब ये रोड जा ही वहीं रहा है, ये रोड जा ही वहीं रहा है, कहीं और भी जा रहा है? खाली मंदिर के तक। अच्छा अच्छा, खाली मंदिर तक। यहाँ भी अभी एंट्री होती है हर सवारी की। यहाँ का ना, हाँ, यहाँ से अब हमें चढ़ाई चलनी है। लो साहब पहुँच गए, यहाँ पे साइड में गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं, बहुत देरी।
आधा किलोमीटर पहले ही प्राइवेट गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं लोगों ने। टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से हम चलेंगे पैदल, आ जाओ। कोई बात नहीं, ये तो बहुत जाम है, इसका मतलब रश भी बहुत होगा ऊपर। अरे सारे के लिए है, यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं लोग, यही लास्ट है। यहाँ से कह रहे हैं आधा किलोमीटर दूर है, चलो आधा किलोमीटर तो पैदल चल ही लेना चाहिए। ये देखिए, ये टावर नीचे से दिख रहा था जो उतना ऊंचा। बहुत पहुँच गए हम मंदिर। आ जाओ भाई साहब, यहाँ से 100-200 सीढ़ियाँ भी चढ़नी है। ये अब सीढ़ियाँ हैं जिनके लिए कह रहे इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो रहते से आगे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बंद है, तो यहीं अपना कैमरा बंद कर देंगे, दर्शन करके आते हैं और फिर आपको यहाँ के और नज़ारे दिखाते हैं। ये देखो, अभी धुंध की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, पर ये ही है श्रीनगर, मेन श्रीनगर, और वो नदी वेरी दिख नहीं रहा होगा शायद, फिर भी दिखा रहा हूँ। अंदर की वीडियो नहीं बना सकते, पर हम भारतीय तो वीडियो बना ही सकते हैं। ये है शंकराचार्य मंदिर, जिसमें कि शिवलिंग स्थापित किया हुआ है शंकराचार्य जी ने, उसका मंदिर है। मुझे लगा था कि यहाँ पर शंकराचार्य जी की मूर्ति भी, पर वो शंकराचार्य जी की मूर्ति नीचे है और ऊपर एक कम से कम इतना मेरे से इतना शिवलिंग है जिसके ऊपर पूजा होती है। हम भी आशीर्वाद ले आए हैं अपने शुभचिंतकों के लिए, अभी लगाते हैं चक्कर मंदिर का, मंदिर में जाने की परिक्रमा होती है मंदिर की। और इधर अब देखिए मौसम चलो भाई है, तो ये श्रीनगर का भी नज़ारा। चलो, ये है यहाँ से तपस्या स्थल, भाई वापस जाना पड़ेगा। तपस्या है, बोला ये नली को पार ना करें, तपस्या स्थल तो हम इसको पार नहीं करेंगे क्योंकि ये भोले पे चढ़ाया हुआ जल है जो यहाँ से आ रहा है, तो हमारी क्या हिम्मत जो हम इसको पार करें। चलते हैं वापस। और ये देखिए, ये है श्रीनगर दूरदर्शन का टावर और नीचे ही सुरक्षा बल के कैंप है, ये सील लिख करके और यहाँ लिखा है। और ये है मंदिर, बलान भर का भी लिखा
देखिए पीछे यही हैं शंकराचार्य जी जिन्होंने ये मंदिर की स्थापना की। और इसके बारे में एक और आपको रोचक तथ्य बताता हूँ। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी आपकी कसम, जिसमें एक सॉन्ग था राजेश खन्ना और मुमताज के ऊपर फहराया जो फिल्म आया गया था, यह वो गाना यहीं पर फिल्म आया गया था। वो देखिए गाना, जय जय शिव शंकर। चलो अब चलते हैं वापस। हर हर महादेव। ये जो सीढ़ियाँ थी नीचे से ऊपर तक की 243 हैं, 243 सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं जो ऊपर तक जाती हैं। लकीली ये भी आ गए। चलिए चलिए लाल साहब, चलो बैठो, अब चलते हैं वापस। धूप निकली होती है ये भाई साहब ने बताया कि भाई व्यू पॉइंट है। मजा हाँ, वो तो भाई किस्मत होती है सबकी, किसको क्या व्यू मिलता है किसको क्या नहीं व्यू मिलता है। हमारी किस्मत में ये व्यू मिल गया नहीं बढ़िया, नहीं तो जाते वक्त तो यहाँ पे बिल्कुल धुन धुन था। हाँ ये भी है, जो मिल जाए बढ़िया। वो सब दिखते होंगे ना ऊपर ये, पर हमारी किस्मत में मंदिर से आते आते शाम होनी थी, तो हमने डिसाइड किया कि डल लेक के किनारे घूमा जाए और शाम का मज़ा लिया जाए। ये देखिए ब्यूटीफुल लग रहा है, कहवा तो होना ही चाहिए। ये देखो झील के किनारे अपने घर से बना के लाए हैं साइकिल पे, और ये सिर्फ 30 रुपये का दे रहे हैं, झील में हमने पिया था 50 रुपये का। ये क्या क्या डाला इसमें, सब कुछ कैसे डिटेल सब कुछ है इसमें। ये अभी आपने क्या बादाम डाला क्या, बादाम अखरोट, बादाम अखरोट। धन्यवाद। ये देखिए शाम के वक्त ये पटरी जो जैसे इस मार्केट को जैसे यहाँ पे भी वो लगी है। हाँ दिल्ली में जैसे बोलते हैं ना पटरी बाजार, वैसे ये है लोकल बाजार है यहाँ पे। दिन में ये दुकानें नहीं थी, दिन में नहीं थी। और हाँ। ये देखिए चलती आ रही है कॉर्नर से ही, मैंने ये डल लेके सामने एकदम अपोजिट डल लेके पटरी पे है। हाँ। उसका अपोजिट सीधे और ये अपोजिट इधर शिकारा देखो। शिकारा देखो 100 रुपए का 60 रुपए का असली वॉलनट का कश्मीरी, वो बाहर से आता सहारनपुर से, ये कश्मीरी है कश्मीरी वॉलनट, और ये भी कश्मीरी, ये कश्मीरी वो सहारनपुर का है, ये कश्मीरी है 320 का 320 गारंटी वॉलनट का, ओरिजिनल वॉलनट का कश्मीरी शिकार है, एक्चुअल शिकार है वो सहारनपुर से आता है। कितना बोल रहे हैं, 150-100 रुपए का, 100 रुपए का बताया है शिकारा। ओके देखो बराबर एक किलो ये है भाई साहब 150 रुपए का बोल रहे हैं। हाँ साथ ही लेते हैं यहाँ, रेट ये अपने हिसाब से बता रहे हो। यहाँ भी तगड़ी बार्गेनिंग है, जो हमने देखा था पीछे 350 का मिला था, अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो 150 तक आ गया, और एक दो लेंगे तो उसमें भी कुछ कम हो सकता है। और ये क्या ये ओल मार्केट है, और सेल लगी भाई साहब चले कश्मीर में ओसवाल सेल, चले हम अंदर गए थे देखा पर 20% डिस्काउंट, अभी दिल्ली में तो 50% डिस्काउंट की सेल चल रही है अभी इस समय। इधर शिकारा कितने का दे रहे हैं, ये भी आ गया देखिए। हाँ एक और दुकान शिकारा है ना, ये शिकारा कितने का, 130 का, 100 रुपए का पड़ेगा। अरे ये नीचे वाली
नीचे वाला पड़ेगा 180 का, ये वाला पड़ेगा 160 का नीचे वाला। लो भाई, शौकीन लोगों के लिए भी यहाँ पे इंतजाम है। एक पीछे छोड़ के आए थे और दो दो दुकानें यहाँ पे भी हैं। ए लो भाई, दिल्ली की भी, दिल्ली की रसोई, ये शुद्ध शाकाहारी भोजन, दिल्ली की रसोई ऐसा मिल जाएगा। तो हम चलते हैं वापस, सामान लेंगे कुछ सोविनियर्स और खाना खाएंगे और वापस अपने होटल में जाके आराम करेंगे। पंजाबी, पहले दिल्ली का था ये, पंजाबी प्योर है। किधर है? और ओरा पंजाबी हवेली, हवेली। तो देखिए ये है पंजाबी ढाबा का मेनू। अरे ये देखिए भाई साहब, ये भी आ गई कढ़ाई पनीर। हाँ जी, ये लो जी साहब, कढ़ाई पनीर आ गया। एक ये सलाद दिया है इन्होंने और रोटी और दाल, बस इतना ही खाना है। और रंग में तो ठीक ठाक लग रही है, खाने में टेस्ट दाल का तो सही है, पर ये भी अब खाने के बाद ही पता चलेगा। होप, आई होप ये भी अच्छा ही होगा। खाओ भाई खाओ, ये पनीर खाते समय हम दूसरे चीज़ नहीं सोचते, इनको सरक जाएंगे। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ले रहा भैया पनीर भी टेस्ट करके देखते हैं। भयंकर वाली भूख लग रही थी मुझे इस समय, खाया नहीं दिन में। ये बात तो सही है, आनंद तो गया ही नहीं। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। लो भैया खाना खा लिया और अब भाई साहब बिल दे के चलेंगे होटल में। अब थकान महसूस होने लगी है। ये बिल बन गया कितना, 590 का। चलो ठीक है, चलो भाई डिनर भी हो गया, अब चलेंगे वापस, सोविनियर लेंगे और होटल में करेंगे आराम। अभी तक की वीडियो यहीं पे, पर अगर आगे वापसी में भी, क्योंकि हमने जो रिजर्वेशन कराई थी वो आते वक्त तो कंफर्म हुई नहीं, और अब जाते वक्त शायद एक दो और तीन पे अटका हुआ है। अगर दो तीन सीटें भी कोई कैंसिल तो हमारी RAC हो जाएगी, अदरवाइज़ हमें फिर उसी तरह से चालू टिकट लेके जाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे, वरना चाओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक चीज़ और आपको मैंने इस पूरे बजट का, क्योंकि हमने कम से कम खर्चे में इस बजट को करने की कोशिश की है, तो वो भी मैं बजट आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।